नमस्कार, आप देख रहे हैं देश के नंबर वन राष्ट्रीय चैनल मनोज समाचार। और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं सुपौल जिले के कर्णपुर पंचायत में, और अभी हमारे साथ जुड़े हैं कर्णपुर पंचायत के लोकप्रिय अध्यक्ष अशोक कुमार जी। तो आइए इनसे किसानों के समस्याओं पर खास बातचीत करते हैं और जानते हैं इस बार जो धान के लिए प्राप्ति हुई है विभाग के द्वारा जो कितना पक्ष हुआ, और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं। तो सर, सबसे पहले अपना परिचय देंगे। मेरा नाम अशोक कुमार है और मैं कर्णपुर जी। तो इस बार जो है विभाग के द्वारा जो आपको धान अभी प्राप्ति के लिए क्या लक्ष्य दिया गया था? 41 क्विंटल। तो आपने सर 41 क्विंटल में कुल कितने किसानों का धान खरीदारी की और कितने क्विंटल का? 74 किसानों के द्वारा एक खंड की गई है। कितने क्विंटल? 41 क्विंटल। तो सर सरकारी किस रेट पर आपने खरीदारी की? 1900 किसानों को जो है 1965 रुपए का जो है पेमेंट किया गया। 1940 रुपए तो सरकारी रेट था और 25 रुपए बुरे का जी। तो इस बार जो है पहला सीसी आपको धान अभी प्राप्ति के समय कितना हुआ था? पहला सीसी सर कितने परसेंट का? 20% का। सेकेंड 40% का? 40%। इस बार 60% का। तो सरकार से मिले जितने भी राशि आपके खाते में आए उनसे सभी किसानों का आपने खरीदारी कर उसका भुगतान भी कर दिया? बहुत सारे किसान ऐसे हैं बाद में जो है जिन्होंने धान दिया है उनका पेमेंट भी नहीं हो पाया है। और किस कारण से सर? क्योंकि पहले ये था कि जो है हमें जो सीसी मिला था जी, उस सीसी को जो है खरीदारी करके उसका चावल गिराने के बाद में जो है जो खाते में पैसा जाता था उसके द्वारा ही खरीदारी की गई जी। लेकिन जो है और लेकिन 41 सौ के बाद जो है वो किसान हम लोग को तो प्रतिनिधि है किसान जो है जब ये किया तो उसको जो है हम लोग इस उम्मीद से जो हो सकता है कि हमारे खाते में पैसा है और टाइम है तो हम खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 41 सौ के बाद जो है ब्लॉक कर दिया गया। तो आप मुझे ये बताइए कि आपके पंचायत में कुल कितने किसान ऐसे हैं जो पैक्स से जुड़े हैं, जो पैक्स को धान गेहूँ क्रय देने का काम करते हैं? ये कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि कर्णपुर पैक्स पहले धान की खरीदारी नहीं करती थी। 2014 के बाद जो है क्रमशः इसमें बढ़ोतरी होता गया है। तो इस बार जो है सर आपने किसानों को जो धान अभी प्राप्ति किए हैं खरीदारी किए हैं, तो यहाँ का पैदावार जो है मतलब गेहूँ और धान का किस प्रकार का है? देखिए इसके लिए जो है किसानों को जो धान अभी प्राप्ति किए हैं खरीदारी किए हैं, तो यहाँ का पैदावार जो है मतलब गेहूँ और धान का किस प्रकार का है? देखिए इसके लिए जो है किसान सलाहकार या जो है जो भी प्रशासनिक स्तर पर होता है उसको उसकी जानकारी पैक्स अध्यक्षों को नहीं दी जाती जी, ऊपर से ही जो है वो किया जाता है। इसलिए जो है वैसे जो है खाद की किल्लत के द्वारा जो है मान लीजिए कि कुछ प्रभावित है गेहूँ के फसल। तो आपके पंचायत में जो है आपको जो है खाद अभी प्राप्ति के लाइसेंस प्राप्त है? नहीं, वो डिफॉल्डर हो गया था उसको इसलिए जो है भी ये नहीं किया गया है। तो आपके पंचायत में पैक्स भवन है सर? हाँ है। कितने एमपी का है? 200 एमपी का होगा, 100 एमपी का होगा। तो क्या आप चाहते हैं कि सरकार से विभाग से क्या मांग करते हैं, चूंकि कितने एमपी के यहाँ पैक्स वगैरह होने चाहिए? पैक्स एकदम तो जो है वो सफिशियंट है। तो आप ये बताइए सर, चूंकि 1 अप्रैल के बाद जो धान गेहूँ अभी प्राप्ति होनी है तो सब पंचायत में किस प्रकार का प्राथमिकता आप चाहते हैं? क्योंकि अभी गेहूँ अभी प्राप्ति की जो है हमें हम लोगों को कोई सूचना नहीं मिली है जी। अगर सरकार के द्वारा अगर हम लोग को खरीदारी का ये दिया जाएगा तो जो है उस पर विचार करेंगे। फिर भी आप विभाग से सरकार से क्या लक्ष्य की मांग करते हैं गेहूँ प्राप्ति में? क्योंकि गेहूँ अभी प्राप्ति हमने आज तक किया नहीं है। अब क्या मान लीजिए टारगेट आता है उसको? तो और भी बहुत सारे यहाँ किसान हैं, तो किसानों की खासकर ज्वलन समस्याएं इस पंचायत में क्या है सर, इसमें क्या करना चाहेंगे? मान लीजिए जैसे कि गेहूँ की खेती में खाद की किल्लत सबसे ज्वलन समस्या रही जी।
दांत की सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या इस पंचायत में रहेगी। तो आप सरकार से विभाग से ये मांग करते हैं कि आपको प्रशिक्षण के द्वारा यहाँ जो है खाद आपूर्ति के लिए आपको लाइसेंस दिया जाए ताकि किसानों को सुलभ होगा। चलिए, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।